वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। और आज मैं आपको देने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ द यूनिट टेस्ट नंबर 2। आई होप आप सभी लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होगी, आप सभी लोगों ने काफ़ी ईमानदारी से सारी चीज़ें लिखी होगी। मैं सिर्फ होप कर रहा हूँ, एक घंटे का टाइम था आपके पास में, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं कितनों ने सही लिखा है, क्या क्या गलत लिखा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सीधा ही सेक्शन ए से। सबसे पहले आपको क्या करना था, इस पैसेज को जो है रीड करना था, राइट। इस पैसेज को रीड करने के बाद जो है आपको नीचे के जितने भी MCQs दिए हुए हैं उनके आंसर दिखने थे। मैंने ये पढ़ लिया है, आप लोग एक बार इसे पढ़ लेना फिर से, आपको आंसर तुरंत मिल जाएंगे। सो क्या था पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्टूडेंट्स कवर देयर ईयर्स, क्यों स्टूडेंट्स जो है अपने कान जो है वो बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी लेसन को अच्छे तरीके से, है ना, किसी भी लेसन को अच्छे से सीख सकें, इसी वजह से वो अपने कान कवर कर लेते थे। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नरेटर एंटर्ड द स्कूल ही वाज सरप्राइज्ड एट द ब्लैंक इन द स्कूल। जब नरेटर स्कूल में आता है तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है किस बात को लेकर, तो आंसर होगा डी। वहाँ पर बहुत शांति होती है, इस बात को लेकर जो है काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है द फ्रेज काउंटेड ऑन मीन्स। देखो एक लाइन दी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये लाइन दी हुई है यहाँ पर, ये रही, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड ऑन मतलब उसने एक बात को ध्यान में रखा था कि अगर वहाँ पर कॉमोशन मतलब आवाज़ होगी तो वो अपने डेस्क पर जो है बिना किसी की नज़र में आए जा सकता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, राइट। तो उसने कॉमोशन मतलब जो वहाँ पर शोर शराबा होता था रेगुलरली, उस पर क्या किया था, उसने भरोसा किया था कि वो होगा तो वो जा सकेगा अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो काउंटेड ऑन को मतलब क्या हुआ, डिपेंडेड ऑन, है ना। द नरेटर रीच इज डेस्क विदाउट बींग स्कोल्डेड बाय टीचर, यहाँ पर नॉट लिखा है, बिलीव थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, है ना। तो बिना टीचर के डांटे वो जो है अपने डेस्क पर चला जाता है। ड्रॉइंग एनी बडीज अटेंशन, जैसे ही पहुँचता है सब लोग देख लेते हैं उसे, आपको भी पता है। बींग अकंपनीड बाय हिज फ्रेंड, बिना फ्रेंड के तो वो जाता नहीं, सारे फ्रेंड जो है वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। गेटिंग ट्रिप्ड इन द आयल, ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है सीधा आयल मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये बेंचेस का, ये एक रो है बेंचेस की और ये एक रो है बेंचेस की, है ना, तो यहाँ पर शायद टकरा गया होगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता उसके साथ, राइट। वो जो है बिना टीचर के स्कोल्ड किए, बिना टीचर के डांट खाए जो है वो सीधा चला जाता है। ओके, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके आपको PDF भेज दी गई है ऑलरेडी, तो ये मैं समझाऊंगा नहीं आपको, सीधा सेक्शन बी में जो स्टेंजा है वो दिखा देता हूँ आपको। पहले स्टेंजा को रीड करना है, राइट। मैं ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर्स ले जाता हूँ। द पोएट इज ड्राइविंग, कहाँ जा रही है पोएट, तो वो अपने पेरेंट्स के घर से वापस जा रही है कोचिन एयरपोर्ट के लिए, राइट। तो एज शी इज रिटर्निंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, द पोएट फील्स द पैंग ऑफ वॉट, पैंग ऑफ सेपरेशन, पैंग मतलब होता है दर्द, किस चीज़ का दुख है, तो सेपरेशन का, अलग होने का दुख है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं, आदमी दौड़ते हैं या फिर कोई व्यक्ति की क्वालिटी है ये, तो स्प्रिंट करना, दौड़ना, तो ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। कौन से दो स्टेज इस स्टैंजा में मेंशन किए गए हैं, तो सीधी सी बात है, एक तो यंग और ओल्ड एज, यूथ दिया हुआ है और ओल्ड एज दिया हुआ है, कैसे समझ में आएगा, तो आपने जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग देखा तो यहाँ पर यंग ट्रीज है तो वो यूथ के लिए है, और अपनी बूढ़ी माँ के लिए दिखाया गया तो वो क्या है, ओल्ड एज। फिर से अगेन ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं PDF में ऑलरेडी, तो ये बताऊंगा नहीं डायरेक्टली। हम जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ओर बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लिसन टू देम नहीं होता, लिसन अगर वर्ड जो है एज अ वर्ब आपको इस्तेमाल करना है शुरुआत में सेंटेंस के पहले, तो वो वर्ब नहीं हो सकता, वो वहाँ पर फ्रेज के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लिसन की जगह पर लिसनिंग होना चाहिए, ये सही आंसर है। ठीक है, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली, वन नहीं, ये तो वन होना चाहिए था, ये प्रोनंशिएशन की एरर है। ठीक है, प्रोनंशिएशन जिस तरह से हम करते हैं उसकी एरर है, यहाँ पर ये वन गलत है, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए था,
O-N-E-1. Caught in the web of poor. Web of poor, देखो web ऑनलाइन noun है, उसके बाद में ऑफ दिया हुआ है, तो पीछे जनरली हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एक एडजेक्टिव ना, सॉरी नाउन इस्तेमाल करना चाहिए. यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, तो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा वो पॉवर्टी. ठीक है, ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको, नाउन दिया हुआ है, और जनरली अगर आगे नाउन है बीच में एक प्रीपोजिशन, तो पीछे खास करके हम क्या देखते हैं, एक एडजेक्टिव है ना, ऑफ जैसे प्रीपोजिशन के लिए, ऑफ जैसा प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं तो पीछे ना एडजेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट. कास्ट देखो शायद स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, है ना, कास्ट मतलब प्रजाति की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कास्ट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ये वाली कास्ट, है ना, जबकि ये कास्ट तो जो है वो जैसे पिक्चरों में कास्ट करते हैं ना, पिक्चरों में जैसे हीरोज़ को लेते हैं तो जो पूरी क्रू होती है, क्रू कास्ट, उसको कास्ट कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड. सबसे पहला है एड ए क्वेश्चन टेक, और देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा लगेगा, नेगेटिव. अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो यस ये रहा आर, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आरंट. अब आरंट तो लिख दिया हमने, प्रोनाउन क्या लगाएं, तो देयर फादर दिया हुआ है, देयर देखोगे कि यहाँ पर, तो इससे अगर हम देखें ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसका जो प्रोनाउन बनता है, राइट, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है वो क्या बनेगा यहाँ पर, दे, आरंट दे, पीछे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, वरना मार्क कट जाएगा आपका, इतना समझ लेना. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव. इसको असर्टिव बनाना है, याद रखना कभी भी वाई नॉट दिया हुआ हो तो आपको जो है सिर्फ इतना करना है, वाई नॉट को हटाकर यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखोगे, यू शुड, क्या लिखोगे, यू शुड, मैं आपको ढंग से लिख कर देता हूँ, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यू शुड, ठीक है, इसको हटाकर सिर्फ वाई नॉट को हटा दीजिए, आप लिख दीजिए यू शुड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, और पीछे यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए. आई होप आपको समझ में आया होगा ये. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. इसको जंपिंग से करना है, जंपिंग, जपाक, जंपक, जंपक, ओके. सो जंपिंग से करेंगे हम, किस तरीके से कर सकते हैं इसको, तो जब भी ये जंपिंग से, मतलब यहाँ से सेंटेंस में अगर वर्ब के अंदर आईएनजी लग रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो जो है सिंथेसिस का क्वेश्चन दिया हुआ है, और सिंथेसिस में हम जानते हैं कि तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो यहाँ पर जो है हम सिंपल को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल में बनाने जा रहे हैं. तो जब भी हमें इससे करना हो तो क्या करेंगे हम, जंपिंग, ये हम पहले भी समझ चुके हैं आई बिलीव, है ना, आपने शायद जो है तकरीबन इसके 50-60 क्वेश्चन तो बनाए होंगे 11th में मेरे साथ रहते रहते. तो ये बनेगा जंपिंग, उसके बाद ओवर द बेंच, है ना, बेंच में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए बेंच, जंपिंग ओवर द बेंच, यहाँ पर क्या कर देना है, कॉमा, फिर लगाएंगे हम आई सेट डाउन एट माई डेस्क. आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कैसे लिखना है, जंपिंग ओवर द बेंच कॉमा I sat down at my desk. I hope आपको समझ में आया होगा ये वाला. नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर देता हूँ. Jumping over the bench, comma, I sat down at my desk. ठीक है. Next क्या दिया हुआ है? Change the voice. काफी इजी वाला. Change the voice. चलो ठीक है. देखते क्या है ये. M Hamel saw me. तो यहाँ पर M Hamel क्या है? Subject. Saw क्या है? Verb. और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, है ना. तो सिंपल है, इसको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए वर्ब कौन से फॉर्म में वो देखो. तो सॉ दिया हुआ है तो सी सॉ सीन, मतलब ये तो वी टू है, तो मतलब ये सेंटेंस कौन से टेंस का बना, सिंपल पास्ट का. तो सिंपल पास्ट का बना तो कन्वर्ट करते टाइम हमें क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आगे चाहिए. तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आगे आई, उसके साथ में आई के साथ में बताओ क्या आएगा, वॉज या वर, तो आएगा वॉज. फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म करना होता है, तो हम थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, वर्ब का सीन बाय हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, एम हैमल. आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉज सीन बाय एम हैमल. फिर पीछे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप. आई होप समझ में आया होगा आपको, एक बार रिपीट कर देता हूँ, आई वॉज सीन बाय एम हैमल.
नेक्स्ट और आखिरी क्या दिया हुआ है, आई रिमेंबर इट, मेक इट नेगेटिव। तो आई रिमेंबर इट, इसको नेगेटिव करना है। रिमेंबर करने का मतलब, अगर इसको नेगेटिव में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं हम, डोंट फॉरगेट, है ना। मैं हमेशा याद रखता हूँ, तो मैं कभी बोलता नहीं, बात तो एक ही हुई, हमेशा याद रखूँ या कभी बोलूँ नहीं, है कि नहीं। ये चीज़ हमने पहले समझी हुई है 11th में, तो आई डोंट फॉरगेट, है ना। तो आई डोंट फॉरगेट इट यहाँ पर लिख देता हूँ, फुल स्टॉप, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई डोंट फॉरगेट इट, क्लियर। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।